हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो साइनोबैक्टीरियास के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की कुछ यूजफुल इम्पोर्टेंस होती हैं, कुछ हार्मफुल इम्पोर्टेंस होती है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, अगर हम यूजफुल इम्पोर्टेंस की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के लगभग 22 तंतुनुमा काय, यानी कि जो फिलामेंटस जो फॉर्म्स होती हैं, वो मेंबर्स जैसे कि नोस्टोक, एनाबीना, ओलोसीरा, एराबिनोप्सिस, इसके अलावा कैलोथ्रिक्स एंड साइटोनीमा आदि वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर, ठीक है, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जैसे कि वो डायरेक्ट क्या यूज नहीं की जा सकती, पहले उसको फिक्स करना होता है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये हेल्प करते हैं सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से भूमि की उपजाऊपन जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो बढ़ती है। तो हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और भूमि का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। अब हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ये हेट्रोसिस्ट सेल क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जैसे कि नोस्टोक के अंदर, एनाबीना के अंदर, ओलोसीरा, एराबिनोप्सिस, कैलोथ्रिक्स एंड साइटोनीमा के अंदर। नोस्टोक, एनाबीना, साइटोनीमा आदि के कुछ स्पीसीज अनुपजाऊ ऊसर जमीन जो होती है, यानी कि जो इनफर्टाइल एल्कलाइन सोइल जो होती है, उसको भी क्या कर देते हैं, बदलकर उपजाऊ जमीन जमीन में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे कोई इनफर्टाइल एल्कलाइन सोइल है एंड उसके अंदर नोस्टोक, एनाबीना या फिर साइटोनीमा इन जैसे साइनोबैक्टीरिया के साथ उनको ट्रीट किया जाए, उनको वहाँ पे जो है वहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, तो वो जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। इसके अलावा नोस्टोक क्यूमिन, इसको उबाल कर सूप के रूप में भी चीन के अंदर पिया जाता है, ठीक है, इसका सूप भी बनाया जाता है। इसके अलावा ओलोसीरा फर्टिलिसिमा, तो ये जो स्पीसीज है, ये जो अम्लीय प्रकृति के अनुपजाऊ भूमि होती है, यानी कि जो एसिडिक सोइल हो गई है वो अनुपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि वो प्रॉपर कंडीशन उसके अंदर नहीं होती कि उसके अंदर कोई चीज ग्रो कर सके, तो उस एसिडिक प्रकृति वाली सोइल को, अनुपजाऊ भूमि को भी ये उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ये जो स्पीसीज है ओसोलेरा फर्टिलिसिमा। तो ये अलग अलग इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं यूजफुल इंपोर्टेंस है साइनोबैक्टीरिया की। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हार्मफुल इंपोर्टेंस। तो हार्मफुल इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के कुछ सदस्य जैसे कि स्विमिंग पूल के फ्लोर के संगमरमर पर, टाइल्स पर, दीवारों के प्लास्टर, इन आदि के ऊपर क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, इनके अंदर वृद्धि हो जाती है। और जो यहाँ पे स्विमिंग पूल के फ्लोर है, इसके अलावा टाइल्स है, दीवारों के प्लास्टर हैं, उनकी जो उपयोगिता है उसको कम कर देते हैं, और इनकी उपस्थिति को नगण्य करने में आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको यहाँ से उतारने में जो है यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक हानि होती है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया कुछ सदस्य जैसे कि माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबीना, ये सब क्या होते हैं, तालाब, झील, जल संग्रहण संग्राहक टैंक जो होते हैं उनके अंदर इनकी अभिवृद्धि अगर हो जाती है तो ये पानी को संदूषित कर देते हैं, और जिसके कारण पानी जो है, पीने वाला पानी जो है, पीने के पानी से गैस्ट्रिक बीमारियां, गैस्ट्रिक ट्रबल्स उत्पन्न होती है, तो इसे विकसित हो जाती है। तो ये हार्मफुल इंपोर्टेंस है। सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये ज़्यादा उग कर, वृद्धि कर कर स्विमिंग पूल के फ्लोर पर, टाइल्स पे, दीवारों के प्लास्टर पे, इनको, इनके ऊपर इनको हानि पहुंचाती है। या तो हम बोल सकते हैं सेकंड इसके माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबीना ऐसे टाइप के साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, तालाब, झील, जल संग्रहण टैंक, इन सभी के अंदर अपने नंबर बढ़ा कर उस जल को पीने के लिए अनफिट कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल्स उत्पन्न हो जाती है। माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना आदि ये क्या करते हैं, जल के अंदर तेजी से वृद्धि करते हैं, जैसे कि तालाब, झील, इन सब के अंदर, तो जल की सतह पर अपनी उपस्थिति की एक मोटी परत निर्मित कर देते हैं, जिसे इन डायग्राम, इन इमेजेस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एनाबीना हो गया, फिर साइनोबैक्टीरिया हो गया, सिंपली इसकी एक मोटी परत जो है वो निर्मित कर देते हैं ये।
और इनको वाटर ब्लूम बोला जाता है, ठीक है, इन मोटी परतों को वाटर ब्लूम बोला जाता है। और ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो जो सप्लाई थी वो बंद हो गई है या फिर कम हो गई है, तो ऑक्सीजन की कमी होने पर तेजी से वृद्धि करते हैं, और इनकी मोटी परत के कारण ये जो मोटी परत बन गई है, तो जो सबमर्ज्ड प्लांट है, जो पानी के अंदर रह रहे हैं प्लांट या फिर इक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं और कालांतर में पानी में दुर्गंध आने लगती है। माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका की उपस्थिति के कारण पानी जहरीला हो जाता है। देखो टॉक्सिक, यहाँ पे इसकी स्पीसी से ही पता चल रहा है कि क्या कर देगी, टॉक्सिक कर देगी, जहरीला कर देगी। तो ये कुछ हार्मफुल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है साइनोबैक्टीरिया की। तो यहाँ पे हमने साइनोबैक्टीरिया की यूजफुल एंड हार्मफुल इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया है। ये जितने यूजफुल है उतने ही क्या है, ये हार्मफुल भी है। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।